वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, आजकल तो वैसे मुझे लगता है हर लाहौरी और हर घर का ये मसला बन चुका है, गैस नहीं आ रही। और गैस आती है, हम कहते हैं जी गर्मियों में बिजली नहीं आती, सर्दियों में गैस नहीं आती है, तो फिर बस ये मामला चलते रहते हैं। लेकिन इस पर हम जरा अपने सवालात के जवाब भी लेंगे। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकेंगे, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा। हमें ज्वाइन किया है कैसर मसूद साहब ने, जो कि GM है SNGPL, और उनको हम वेलकम करेंगे, वेलकम टू द शो। और हमारे रिपोर्टर होंगे राना फहद, जो इस बीट को भी देखते हैं। वेलकम टू द शो राना फहद, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, मैंने जो भी आगाज किया ना, हर घर की एक कहानी है, क्या वजह है गैस क्यों नहीं आती है हमारे यहाँ? पहले तो मैं अर्ज कर लूँ जी कि गवर्नमेंट की हिदायत के तहत डोमेस्टिक कंज्यूमर्स टॉप प्रायोरिटी पे, ठीक है, यानी किसी भी और सेक्टर को अगर गैस की कमी का सामना करना पड़ सकता है एक्सेप्ट डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को। गैस एलोकेशन पॉलिसी में भी इंडस्ट्रीज बाद में आती हैं, डोमेस्टिक सेक्टर पहले आता है। जहाँ तक डिमांड और सप्लाई का ताल्लुक है, लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गेटिंग एनफ गैस टू सर्व आवर कस्टमर्स, कमी नहीं है गैस की बिल्कुल। तो भी फिर आती क्यों नहीं है? कमी नहीं है तो फिर हमें मसला क्यों आता है गैस ना? एक गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है ना जी, कि अभी एक सिटीजन पोर्टल के नाम से एक नई एंड्रॉयड सेलफोन पे एप्लीकेशन लॉन्च की है। उस एप्लीकेशन में आज तक पिछले 10 दिनों में हमें कोई 250 कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं, जो हम अटेंड कर चुके हुए हैं। आती क्यों नहीं है, उसमें दो इश्यूज हैं। मेन इशू तो ये है कि जी जब एक एक फील है लोगों में, जिसकी वजह से कोई खौफ है उन्हें कि गैस नहीं आएगी, तो कंप्रेसर का वो इस्तेमाल करते हैं। ये जो कंप्रेसर जब कोई एक कंज्यूमर यूज करता है, तो एक्चुअली अपने 20 नेबर्स के हिस्से की गैस वो एक कंज्यूमर ड्रा करता है। अब वो एक कंज्यूमर डिप्राइव करता है अपने बाकी सारे नेबर्स को भी, तो वो उसकी वजह से एक लोकलाइज्ड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। कई इलाकों में जब हमारी टीम्स रेड करती हैं और हम देखते हैं कि जनाब लोड शेडिंग आवर्स में अचानक गैस कम हो जाती है, और जैसे ही बिजली वापस आती है गैस बेहतर हो जाती है। वो उसकी वजह यही है कि जब लोड शेडिंग आवर्स हैं तो उस वक्त लोग कंप्रेसर यूज करते हैं, और उस कंप्रेसर की मदद से वो जनरेटर चलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उस एरिया में प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। इस वक्त भी हम तकरीबन इस अगर 10 दिन की मैं फिगर्स पेश करूं, तो कोई 150 प्लस कंप्रेसर्स की बुनियाद पे हम कनेक्शंस को डिसकनेक्ट कर चुके हैं। अच्छा ऐसे, क्योंकि अब बिजली चोरी का तो हम सुनते रहते हैं, गैस भी बहुत जल्दी से, आप कंप्रेसर का मामला भी कह रहे हैं, इसकी वजह से बहुत पब्लिक सफर करती है। एट द एंड इस पे कोई सजा जजा का मामला भी हो या फॉलो अप हो, क्योंकि अगर आप लोगों की टीम कार्रवाई करके जाती है, फिर कुछ अरसे बाद अगर वहीं पे मामला फिर से शुरू हो जाता है, तो फॉलो अप वगैरह कितना किया जाता है? पहले तो जी मैं कस्टमर्स की अवेयरनेस के लिए ये बताऊंगा कि जो कंप्रेसर का यूज है, ये एक्चुअली कंप्रेसर का यूज कस्टमर के अपने साथ जाती है। ये अनसेफ प्रोडक्ट्स हैं, ये आपकी लाइफ के लिए खतरा है, या आपके बच्चों की लाइफ के लिए खतरा है। ये चाइना मेड प्रोडक्ट्स हैं या कोई लोकल मेड प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, कोई सुपरविजन नहीं है, ये कई दफ़ा आग पकड़ लेते हैं। और गैस की जो आग है वो एक आम कंज्यूमर के लिए इससे बड़ा रिस्क घर के क्लोज प्रेमिसेस के अंदर हो ही नहीं सकता। प्लस ये कि जो भी कंज्यूमर कंप्रेसर यूज के साथ, अगर उन्होंने मीटर भी टेम्पर किए हुए और वो इस केस में हर मीटर जो उतरता है वो फ्लो प्रूफ होता है, लेबोरेटरी में जाता है, और अगर वो टेम्पर्ड पाया जाए तो उस पर डिटेक्शन चार्जेस बुक होते हैं। फिर जो भी हम कंप्रेसर यूज पे डिसकनेक्ट करते हैं, उनको पूरे विंटर सीजन में हम रिकनेक्ट नहीं करते। अच्छा। और अगर एक कंज्यूमर दूसरी दफा कंप्रेसर यूज में पाया जाए मुलव्वस, फिर हम उसे परमानेंटली डिसकनेक्ट कर देते हैं। तो मेरा मैसेज है अपने तमाम कंज्यूमर्स के लिए कि ना सिर्फ अपना सोचें, बल्कि अपने जो आपके नेबर्स हैं उनके लिए सोचें, अपनी लाइफ को सेव करें, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट यूज करें। कंप्रेसर्स आपके लिए खतरा है, आपके बच्चों की जान के लिए खतरा है, आपके हमसायों का हक आप छीन रहे हैं, प्लस ये कि आप अपने आप को भी एक अनड्यू ट्रबल में डाल रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। राना फहद, अभी जैसे मैंने डिस्कस भी किया कि जो कंप्रेसर वाला मामला है और जो मीटर करने वाला मामला है, इसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन एट द एंड कार्रवाई और सारा मामला किस तरह से चलता है? बेसिकली बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि कंप्रेसर की वजह से अगर एक गली में कंप्रेसर लगाया तो वो उस पूरी लाइन पे लो प्रेशर हो जाएगा। अगर मैंने कंप्रेसर अपने घर में लगाया और मुझे गैस ठीक मिल रही है, मगर मेरे साथ जितने भी मेरे नेबर्स हैं, कोई 20-25 लोग, वो इससे सफ़र होंगे, वो तमाम के तमाम को गैस नहीं मिलेगी और परेशान रहेंगे वो। और ये जो 150 कंप्रेसर वाला मामला है, वो बिल्कुल मैंने रिपोर्ट भी की थी थोड़े दिन पहले कि 150 से जो है वो कंप्रेसर पकड़े जा चुके हैं। मगर कुछ इशू जो लो प्रेशर का है, वो एक ये भी है कि हमारा सिस्टम जो है वो 30 साल पुराना है। जो लाइनें हैं बिछी हुई हैं वो 30-40 साल पुरानी बिछी हुई हैं।
उन लाइनों की वजह से भी जो है वो कुछ प्रेशर में जो है वो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर जितनी प्रेशर में गैस छोड़ेंगे वो उतने प्रेशर में ज़ाया भी होगी गैस, ये भी एक इशू है लो प्रेशर का। तो सर्दियों में चूँकि जो है वो गैस का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, लोग हीटर भी लगाते हैं, उसके बाद गीज़र भी इस्तेमाल करते हैं, गीज़र का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए सर्दियों में कुछ जो है वो इलाकों को ये लो प्रेशर फेस करना पड़ता है। अच्छा, डिमांड और सप्लाई के हवाले से भी मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले हम कॉलर ले लेते हैं। मजीद गौरी साहब हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं जीएम साहब से कहना चाह रहा हूँ कि हमारा एरिया इचरा है बिल्कुल, और हमारे पिछले 2 माह से गैस नहीं आ रही, और ये अब से नहीं, ये तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं कि हमारे अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक गैस नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, या उसकी अब कहा जाए कि प्रेशर गैस का कम है या इस तरह नहीं, से नहीं आती नहीं है, आती नहीं, रात को 1 बजे आती है, वो भी हल्की सी वो इस तरह ट्यूब लाइट होती है। सही सही, ठीक हो गया मुझे गौरी साहब, अभी आपको जवाब लेता है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी जी गौरी साहब, मैं आपकी मालूमात के लिए अर्ज करूँ की लास्ट ईयर इचरा में हमने अराउंड 15 से 20 किलोमीटर लाइन चेंज की है, रिप्लेस की है। ये इचरा की एक तो तंग गलियां हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि मुख्तलिफ यूटिलिटीज़ ने जब वहाँ काम किया है तो गैस लाइंस को उन्होंने डैमेज किया है। इचरा में जो सबसे बड़ा हम फेस करते रहते हैं वो डी वाटरिंग का इशू है, कि जब ये डैमेज से वासा की लाइनें अगर लीक हैं या सीवरेज लीक हैं तो किसी जगह पानी गैस लाइन्स में एंटर होता है। हम राउंड द क्लॉक अवेलेबल हैं, आप भी कंप्लेंट हमें काइंडली हमारे सिटीजन पोर्टल पे कीजिए। बिल्कुल, पोर्टल की बात करने वाली थी, इस हवाले से लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोग इस या तो वो सरकारी ऑफिसर्स में जाते हुए कतराते बहुत है, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम पता होती है कि बहुत लंबा प्रोसीजर है, टाइम टेकिंग है, तो वो कुछ ना कुछ अपने इलाके के लोगों से कह के फलाने से कह के, लेकिन एट द एंड जो आप अभी बता रहे हैं कि पोर्टल वगैरह आप लोगों ने बनाया, इस हवाले से अवेयरनेस कितनी दी गई है? पहले तो मैं अर्ज करूं कि कंपनी का तो अपना सिस्टम है कस्टमर फीडबैक का। अच्छा, वो 1199 है जिसपे तमाम कस्टमर्स अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। 1199 जी, दे डोंट नॉट नीड टू विजिट आवर ऑफिस, हमारे ऑफिस आने की उन्हें जरूरत नहीं है, वो अपने घर बैठे कॉल करेंगे और वो हर कॉल रजिस्टर होगी, उसका टाइम रजिस्टर होगा, और उसको जब हम रेक्टिफाई करेंगे वो टाइम भी रजिस्टर होगा। ये वो सिस्टम था जो पहले से इन प्लेस है। जो सिटीजन पोर्टल है ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है प्रेजेंट गवर्नमेंट का। अच्छा, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, जब ये गवर्नमेंट प्रीवियसली केपीके में थी वहाँ ये इन्होंने ये सिस्टम नाफिज किया हुआ था और इसके बड़ा अच्छा रिजल्ट आए, और वो स्पेसिफिकली गैस रिलेटेड कम्प्लेंट्स भी नहीं है उसमें, तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड कम्प्लेंट्स हर बंदा अपने एंड्रॉयड फोन से कर सकता है। तो क्या ये सबकी एक्सेस में है, क्या सब हर कैटेगरी इसको यूटिलाइज कर सकती है? तमाम, मैंने जैसे अर्ज किया ना, जिस तरह मैं अपने एंड्रॉयड फोन में कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं हर कंज्यूमर, उसी तरह ये भी एक एप्लीकेशन है सिटीजन पोर्टल के नाम से जो इस गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, और ये वैलिड है तमाम महकमों के लिए इंक्लूडिंग गैस। इस पर अब तक जैसे मैंने अर्ज किया कि कुछ 250 कंप्लेंट्स हमें रिसीव हो चुकी हैं। तमाम, एक तो मैं कंज्यूमर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप कंप्लेंट लॉन्च करें तो उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर दे दीजिए। बाज़ुकात एक साहब लिखते हैं कि जी मेरे घर में गैस नहीं आ रही, उस हमें तो वही इन्फॉर्मेशन है जो वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन से फीड करते हैं, उसमें कई जगह उन्होंने अपना एड्रेस कम्प्लीट नहीं लिखा होता, अपना सेल नंबर नहीं लिखा होता, तो हम उन्हें लोकेट नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो एक कॉलर ने फरमाया इचरा में, मुमकिन है कि इचरा की कोई 2 गलियों में गैस इस वक्त ना पहुंच रही हो डी वाटरिंग या किसी इशू से, अगर वो हम पिन पॉइंट कर सकेंगे कि ये किस गली की बात हो रही है, किस कंज्यूमर की, तो हम उसको फौरी रेक्टिफाई। ठीक हो गया, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जी शाहिद अली गुलबर्ग से, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों की पूरी टीम की बहुत मेहनत है, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग, मैं डेली बेसिस पे ये प्रोग्राम देखता हूं, आपकी पूरी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात। अब मैं जीएम साहब की तरफ आऊंगा और उनसे ये सवाल करूंगा कि सर ये कन्फ्यूजन है वो जरा काइंडली आज दूर कर दें, कि ये कोई सर्दियों में ये कोई फ्रीजिंग वाला भी कोई सीन होता है कि पाइप्स में जो है गैस जमने की कोई अक्सर सुनने में आता है, किसी से अगर क्वेश्चन वगैरह करते हैं या हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो अक्सर ये भी जो है आगे से जवाब सुनने को मिलता है कि जी सर्दियों में गैस जम जाती है जिस वजह से उसका जो फ्लो है वो कम हो जाता है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच कॉलिंग शाहिद साहब, अभी आपका जवाब लेते हैं, नेक्स्ट कॉलर भी हम साथ ही ले लेते हैं, शबीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شبیر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میم یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہمارا ایریا ہے شوکر ٹون تاج پورا, ٹھیک ہے, بڑا فیمس ایریا ہے, لیکن یہاں پہ جو ہے گیس کی جو سپلائی ہے بہت ہی کم آ رہی ہے, جس کی وجہ سے بہت ہی مسئلہ مسائل کا شکار ہے پورا ایریا. تو کتنے عرصے سے پرابلم ہے یہ؟ صبح سے لے کے رات تک یہاں پہ بالکل ہی گیس نہیں آتی, جس کی وجہ سے بچوں کو اسکول جانے میں بڑی دشواری ہو رہی ہے اور جن لوگوں نے کام وغیرہ میں جانا ہے ان کے بہت مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. کتنے عرصے سے پرابلم آ رہی ہے آپ کے؟ یہ آئی تھنک پچھلے کو 2-3 سال سے یہ پرابلم آ رہی ہے, اور اس ایریا میں بالکل ہی نہ کوئی ایم پی اے, نہ کوئی ایم این اے, نہ کوئی چیئرمین, کوئی بندہ کوئی کام نہیں کروانے والے. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ فار کالنگ شبیر صاحب. دونوں کا بھی جواب لیتے ہیں. پہلے ہمارے کالر. جی پہلے کالر کے لیے میں عرض کر دوں گا کہ سردیوں میں گیس کی فریزنگ لاہور میں کوئی اتنے ٹیمپریچر اس لیول تک ڈاؤن نہیں ہوتے کہ گیس فریز ہو سکے. جو پرابلم مسکنسیپشن ہے وہ بیکاز آف, جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کہیں واسا کے پائپ لائن لیک ہے یا کوئی اور لیکیج کی وجہ ہے اور ڈیمیج کہیں کسی اور یوٹیلیٹی ایجنسی نے کر دی, جب یہ واسا یا کوئی بھی دیگر ادارہ کام کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیتے, آپس میں کلیبریشن نہیں, کیونکہ اس طرح تو باقی ساری چیزیں بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. نارملی جو بھی ادارہ کام کرتا ہے وہ میونسپل کارپوریشن سے این او سی لیتا ہے, جیسے کمپنی ہم بھی کرتے ہیں, تو اور یہ ایک طرح سے سپرویژن میں ہوتا ہے کام. لیکن جس طرح کئی کسی جگہ کوئی میں نے عرض کیا نا کہ یوٹیلیٹی کوریڈورز جب ہیں ہی نہیں, نارملی آپ دنیا کے باقی علاقوں میں 2 فٹ کا ایک کوریڈور ہوگا جس میں صرف گیس رن کر سکیں گے, لیکن یہاں ٹوٹل 2 فٹ ہے, اسی میں آپ کی 5 فٹ میں سیور بھی ہے, گیس بھی ہے, ٹیلی فون لائن بھی ہے, تو کہیں نہ کہیں وہ کنفلکٹ بنتا ہے. اور اسپیشلی جب اگر کہیں کوئی لیکیج ہے سیوریج کی یا پانی کی, تو وہ ظاہر ہے اگر ہماری ایم ایس لائن ہے تو وہ رسٹ بھی ہو سکتی ہے. تو فریزنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں, کہیں نہ کہیں کوئی ڈی واٹرنگ کی ضرورت پڑتی ہے اگر کوئی لیکنگ ہو رہی ہے قریب اور وہ انٹر ہو رہی ہے. شوکر ٹاؤن والے جو تاج پورہ سے صاف فرما رہے ہیں, جو اس کی میجر کمپلینٹ ہمارے پاس اس علاقے کی نہیں ہے کوئی, یہ جو بات کر رہے ہیں کئی جگہ لوکل پرابلم ہوتا ہے ایک آدھ گلی کا. وہ پرابلم کیوں ہوتا ہے کہ جی لائن کسی ایک آف ٹیک پوائنٹ پہ چوک ہے یا وہاں سے کوئی قریب ترین ہم اسے شفٹ کر سکتے ہیں کسی بہتر لائن پہ, یہ ہمارا روٹین میٹر ہے, ہم تک یہ کمپلینٹ آ جائے تو ویل سارٹ آؤٹ. اچھا سر ایک اور کوسچن تھا کہ کچھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سوئی ناردرن گیس کمپنی جو ہے وہ جس طرح جو ہے وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, کیا اس طرح کی لوڈ شیڈنگ کا کوئی پلان ہے؟ نہیں سر, بجلی کی لوڈ شیڈنگ جس طرح ہوتی ہے گیس کی ہو ہی نہیں سکتی, اس کی وجہ یہ ہے. تو ٹائم بھی اسپیسیفک نہیں کیا گیا اس ٹائم سے اس ٹائم گیس آئے گی؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ کا مطلب بجلی والوں نے تو اپنے گریڈ سے آف کرنا ہے تو بجلی یکدم آف ہو جانی ہے, اور ایک دفعہ آن ہونا ہے تو یکدم آن ہو جانی ہے. سوئی گیس کے سلسلے میں یہ کرمنل ہے, کرمنل اس لحاظ سے ہے کہ اگر ایک صاحب سوئے ہوئے ہیں یا ان کا ہیٹر چل رہا ہے اور ہم آف کر دیں اور تھوڑی دیر بعد ہم گھنٹے بعد آن کر دیں, انہیں نیند آ چکی ہو, تو وہ ایکچولی یہ تو ایک ڈیزاسٹر ہو جائے گا, ان کا گھر ہی اڑ جائے گا دھماکے سے. سو ایسا کرنا, لوڈ شیڈنگ کرنا گیس میں, یہ کرمنل ایکٹ ہے اور یہ ناممکن ہے. ٹھیک ہو گیا, سوری سر مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا ہوگا, ہمیں بریک لینی ہے. آپ شکریہ ادا کریں گے, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. جناب بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, اور بھی مہمان ہمیں جوائن کریں گے. آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور.